बढ़ाते हैं और सरकार की तरफ रुख करते हैं। सरकार आखिर बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए, और खासकर जो हमारा देश है भारत देश में कुपोषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या स्कीम लाए गए हैं? बच्चों को में कुपोषण ना हो तो जैसे कि माता का न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो माँ को आंगनवाड़ी केंद्र में माँ को राशन दी जाती है जी। जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको राशन दिया जाता है, और 3 साल से जो ऊपर के बच्चे होते हैं, 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ पढ़ाई भी किया जाता है। दूसरा है कि अगर बच्चे कुपोषित हो जाते हैं तो इसके लिए माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है। मैम, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में बहुतों को नहीं पता है। हाँ जी, तो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर हमारे झारखंड में है जी। यहाँ पे बच्चों को रख कर उनको दवा भी दी जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन भी किया जाता है, इन्फेक्शन दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके साथ साथ बच्चे को खाना भी खिलाया जाता है जहाँ माँ को रहना पड़ता है। यहाँ वो बच्चे आते हैं जिनमें कुपोषण के साथ साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन बच्चों को वहाँ रेफर किया जाता है, और जब बच्चे माल न्यूट्रिशन से उबर जाते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाता है और 4 फॉलोअप किया जाता है कि 15 दिन पे उनका फॉलोअप किया जाता है कि बच्चे का ऐसा ना कि वहाँ पे ठीक हो गए या घर जाके फिर कुपोषित हो गए, मतलब फॉलो किया जाता है कि वो उसके बाद भी उन्हें न्यूट्रिशन है। तो मैम, ये सारे जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो हमारे रेडियो खांची के जो लिसनर्स हैं उन्हें भी मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा माल न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, उन्हें आप ये सेंटर्स आप भेज सकते हो और उन्हें ये जानकारी आप दे सकते हो अपनी तरफ से। मैम, आगे बढ़ते हैं कि अगर बच्चे जो है वो उनका इलाज हो जाता है कुपोषण से, उसके बाद उन्हें घर जब ले जाया जाता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब बच्चे अपने घर चले जाते हैं तो कुपोषण केंद्र में माँ को रखने का कारण ये होता है कि माँ वहाँ रह कर देखे कि बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, कैसे साफ सफाई रखी जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे को वैसे ही फर्श पे छोड़ दिया जाता है, जमीन पे मिट्टी पे खेल रहा है, तो माँ को ध्यान देना है बच्चे की साफ सफाई पे। माँ खाना अगर खिलाती है बच्चे को या खाना पकाती तो हाथ धो के खाना पकाए, खाना जो रखती है साफ जगह पर रखे, बच्चे को जहाँ खिलाती है वहाँ भी साफ रहे, बच्चे को भी ये हैबिट दिलाए कि हाथ धोना खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोना है, या आप शौच के लिए जाते हैं वहाँ से आए तो हाथ धोए जी। मतलब बिल्कुल प्रॉपरली रहना पड़ता है और कुछ कुछ नियम है जिसका पालन करना पड़ता है जिससे कि आप कुपोषण से घर पे भी आप बचे रह सकते हैं। मैम, आगे जो क्वेश्चन है वो ऐसे बच्चों को लेकर के है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन होगा मेरा। ऐसे जो बच्चे होते हैं जो चूजी होते हैं, आलू नहीं खाना है, कुछ सब्जियां नहीं खाना है, करेला नहीं खाना है, तो वैसे बच्चों को पोषित आहार कैसे दिया जाए? मैम, जैसे कि बच्चे को लगता है कि ये खाना नहीं खा रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं कि आप जो खाना बना के दे रहे हैं उसको कुछ चेंज करें बनाने में, तो वो बच्चे को कुछ टेस्टी लगे। मान लीजिए कि बच्चे को मीठा नहीं पसंद है तो उसको नमकीन खाना बना के दे, नमक के साथ बना के दे, और बच्चे को प्रेशर ना दे कि हाँ उसे खाना है, वो उसके मन के हिसाब से थोड़ा चलेंगे तो बच्चे को भी अच्छा लगता है कि हाँ खाना खाना है और आप भी ढंग से खिला। अब प्रेशर हो सकता है कि उस समय उसे भूख ना हो, तो थोड़ा देर छोड़ के अब फिर उसको खिलाने की कोशिश करें, और बच्चे को खिला के खिला, जैसे कि हम लोग छोटे थे तो उस समय में लोग मन बहला के खिलाते थे, देखो वो खा रहा है तुम भी खा लो, चिड़िया खा ली, तो इस तरह से बच्चे को खिलाएं जी। मतलब अगर बच्चा नहीं खा रहा हो तो अपनी तरफ से कुछ बहाने करके या फिर उसके जो मनपसंद चीज है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट मिला के आप दे सकते हैं। मैम, ये सारे जो क्वेश्चन थे वो चाइल्ड न्यूट्रिशन पर बेस्ड थे और आपने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना वक्त निकाल कर आप रेडियो खांची के स्टूडियो में आई और आपने इतनी सारी जानकारी हमसे साझा आपने किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं जाते जाते जो हमारे रेडियो खांची के लिसनर्स हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उनका प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ना केवल उनका साथ ही माँ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पोषण की पोटली के इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।